सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल यार यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं भीम यूपीआई के बारे में। भीम यूपीआई क्या है, कैसे आप इसका यूज़ करोगे, भीम यूपीआई को किस किस कामों के लिए यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में तमाम जानकारी देने वाला हूं। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर स्विच कर देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम प्ले स्टोर पर है, भीम यूपीआई को सर्च कर चुके हैं। गैस मैं आपको बता दूँ, भीम यूपीआई से आप अलग अलग तरीके का जो है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल पे कर सकते हैं, पानी बिल पे कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के अकाउंट में पैसे भी भेज सकते हैं। अगर हम कहें तो आप इसे जो है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे के जैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं इस ऐप को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसे डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेजेस मिलेंगे। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस मोबाइल नंबर से यहाँ पे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हैं उस मोबाइल नंबर पर आपका जो है बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को लाके आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन यहाँ पे आपको फिर से इस तीर पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो अकाउंट है वो कुछ इस तरीके के पेजेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना केवाईसी सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो ही आप इस केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास मतलब कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप बाद में भी इसका केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम स्किप कर देंगे, उसके बाद जो है आई डोंट कर देंगे, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे, फिर यहाँ पे कुछ परमिशन अलाउ कर देंगे। तो आपके सामने जो है दोबारा से कुछ इस तरीके का जो है पेजेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल रिचार्ज, UPI ट्रांसफ़र, स्कैन पे, ओके, वॉलेट है, उसके बाद लोन भी ले सकते हैं, उसके बाद और भी काफ़ी सारे चीज़ है। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, तो ये इनका सर्विस है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके प्रोफाइल में क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है जो भी बैलेंस है वो दिख जाएंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। ओके, तो ये सब चीज़ें इसे हम रहने देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। जब तक आप बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर लोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, जब आप अपना KYC कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे आपको 30,000 का जो है लिमिट मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, खैर कोई बात नहीं। ओके, अगर आपको जानना है कैसे यहाँ पर KYC कम्प्लीट होता है तो इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। ओके, आप हमें नीचे में कमेंट कर देना। ओके, मैं वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल चलिए हम बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इस कोने में क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है खुल जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ओके, लिंक बैंक अकाउंट, आप इस पर क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपका मोबाइल नंबर जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक है आप उस बैंक को फाइंड करें। मेरा जो है स्टेट बैंक में, तो चलो हम अपना स्टेट बैंक को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टेट बैंक पे क्लिक कर देंगे, कुछ परमिशन अलाउ करेंगे, देन हम अपना सिम को चूज़ कर लेंगे। ओके, सिम आपको वही चूज़ करना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है और कितने नंबर में वो सिम लगा है। देख लो, फाइनली हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ से जो है कनेक्ट हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो है अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको चेक बैलेंस पे क्लिक करना है, देन आपको अपना कोड डालना है, जो भी आपने कोड बना के रखा होगा। अगर आपने यहाँ पे कोई कोड नहीं बना रखा है तो आपको यहाँ पे कोड बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में 500 कुछ रुपए है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ से बैंक को लिंक कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं
कैसे आप यहाँ से किसी को पेमेंट कर सकते हो या फिर यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। तो मोबाइल रिचार्ज करना इजी है, जैसा कि आप लोग जानते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको रिचार्ज इस बिल पे में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे भी रिचार्ज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें, ओके कंटिन्यू करें। उसके बाद आप यहाँ पे नंबर चुनें, उसके बाद जो है नंबर चुनने के बाद यहाँ पे आपको अपना प्लान वगैरह चेक कर लेना है, देन यहाँ पे आप इजीली रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए यहाँ पे मैं कुछ पेमेंट को यहाँ से पे कर देता हूँ। ये देख लो, ये जो है हमारा QR कोड है। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं UPI से या फिर किसी शॉप पे जाके, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको UPI में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है UPI पे भी पैसे को सेंड कर सकते हो। ओके जैसे कि मेरा UPI है टेक्निकल यार, ओके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्निकल यार, उसके बाद जो है @, उसके बाद जो है UPI, जैसे कि मैंने इसे लिख दिया। उसके बाद हम डन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इस UPI पे क्लिक कर देंगे। तो देख लो, इस UPI में जो नाम है नीतीश कुमार वो आ चुका है। ओके अब मैं इसे जो है अगर 5 रुपये भेजता हूँ, तो यहाँ पे देख लो, जैसे कि मैं यहाँ से एक ही ले लेता हूँ 1 रुपये। उसके बाद हम सेंड में क्लिक करेंगे, देन कंफर्म पेमेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डायल कर देंगे, जो भी हमने पासवर्ड लगा के रखा है, और उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे या सही बटन पे। तो फाइनली यहाँ पे देख लो, पेमेंट हमने 1 रुपये भेज दिया यहाँ से। ओके अब ये मेरे दूसरे अकाउंट का है, दूसरे अकाउंट में लिंक है, तो ये जो बैलेंस है मेरे दूसरे अकाउंट में चला गया होगा। अगर आप किसी शॉप पे स्कैनर से भेजना चाहते हैं, तो स्कैनर पे क्लिक करें, कुछ परमिशन अलाउ करें, उसके बाद यहाँ पे ये जो है स्कैनर है, बट मैंने गैलरी में ही मतलब अपने स्कैनर को डाउनलोड कर रखा है। तो हम चलेंगे यहाँ से अपने गैलरी में और डाउनलोड में जो हमने अपना QR कोड रखा है उसे चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये फ़ोनपे का QR कोड है। जैसे मैं इस QR कोड पे क्लिक किया, देख लो मेरा ही नाम आ चुका है। ओके और ये है फ़ोनपे का। तो यहाँ से ही मैं इसको 1 रुपये यहाँ से भेज सकता हूँ इजीली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे और सही बटन पे प्रेस कर दिया, तो 1 रुपये हम इसे इजीली यहाँ से जो है सेंड कर देंगे। यहाँ पे देख लो, अभी जो है अभी नहीं गया है, कन्फर्म हो रहा है। तो पेमेंट फोल्ड, ओके तो देखते हैं हम क्या लोचा है। फिर से हमें अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, कभी कभी सर्वर का जो है प्रॉब्लम हो सकता है, तो अभी हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम दूसरा QR कोड ले लेते हैं। तो चलो हम फिर से करते हैं, तो ये जो है पेमेंट अभी नहीं हो रहा है। ओके और मेरे पास दूसरा QR कोड भी नहीं है, तो हम इसलिए QR कोड से आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। और भी इसका सर्विस है, आप इसको जो है यूज़ करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। यहाँ से लोन है, इंश्योरेंस है, कुछ शॉपिंग भी इसने ऐड करी है, तो शॉपिंग भी यहाँ से आप कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इनके सर्विस के बारे में है, आप देख सकते हो सर्विस इनका क्या क्या है। उसके बाद जो है हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, कब आपने किसको कितने पैसे भेजे, किसने आपको कितने पैसे भेजा, ये चीज़ है। ऑफ़र भी है, यहाँ पे चलते रहते हैं, तो काफ़ी सारे जो है शॉपिंग वेबसाइट का ऑफ़र है, तो आप यहाँ से शॉपिंग करोगे तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। तो गाइस कुछ इसी तरीके से आप जो है इसे आपको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है इसको यूज़ करना। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे में कमेंट कर देना, मैं उस पर जो है रिप्लाई करूँगा। और मैं यहाँ पे एक वीडियो तो बनाऊँगा ही, कैसे आप यहाँ पे KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, आप हमें नीचे में कमेंट करके बता देना। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना।